दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं खसूसी ट्रांसमिशन में इलेक्शन के हवाले से। मोहम्मद मालिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मालिक साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, बड़ा मिस किया हमने आपको पिछले घंटे में। मैंने आपको नहीं किया, बड़े सुकून में था करते, लेकिन हमने किया, बड़ा मिस किया। तो अब ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैं कहकर गया था और आपने भी खबर भी सुनी, मैं डॉक्टर दानिश की तरफ आता हूँ सवाल लेकर। डॉक्टर साहब, अब खबरें ये चल रही हैं कि कुछ नया NRO होने की बातें हो रही हैं, या शायद मियाँ साहब ने ऑफर किया है कि मुझे NRO दे दिया जाए, मैं बाहर आना चाहता हूँ, इंटरफेयर नहीं करूँगा, कुछ इस तरह की क्या खबरें हैं? ये खबर आपकी है कोई बहुत ही ये खबरें चल रही हैं अभी हमारे चैनल की तरफ से बताया गया कि आप कह सकते हैं ऐसा है। देखिए, मेरा ख्याल है ये एक किस्म की इलेक्शन से एक दिन पहले ये खबर डाल दी गई है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं खबर डालने के लिए, और वो ये सोच रहे होते हैं कि कौन सी खबर ऐसी डाली जाए जिसकी बुनियाद पर उस तरफ बहस निकल जाए और किसी न किसी को फ़ायदा हो और इस किस्म की चीज़। पाकिस्तान का कानून और आईन भी एक कोई जगह है, कोई अहमियत रखती है। पाकिस्तान का एक लीगल प्रोसेस है। एक शख्स को क्राइम करते हुए, करप्शन करते हुए, पहले उसके झूठ के ऊपर आर्टिकल 62-63 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वो एक सज़ा देती है, और उस सज़ा के बाद उसे नाहल कर दिया जाता है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, जो पार्टी एक्ट है, उन तमाम बुनियादों पर उसको पार्टी की सदारत वहाँ, ये कानून है, ये आईन है। इसके बाद आप आगे आइए, उसके बाद फौजदारी मुकदमात होते हैं, नैब कोर्ट में चला जाता है। नैब कोर्ट उनके तमाम 11 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक वो तमाम चीज़ें सुनती है। सारी चीज़ करने के बाद जो ग्राउंड्स रियलिटीज़ है, जो एविडेंस है, और वो जो प्रूफ नहीं दे सके, जो बर्डन्स था उनके ऊपर, उसके ऊपर एक सज़ा देती है। और इस सज़ा के बाद कानूनी एक तरीक़ेकार है उनके निकलने के लिए, वो जेल चले गए हैं, और उसका एक तरीक़ेकार है कि वो अपील करेंगे, और अपील करने में तो कोई बुरी बात नहीं। मैं ख्वाहिश की बात तो ये है कि ख्वाहिश किसकी है, अब ये देखना है कि ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश है या बीच में बैठे हुए किसी एक शख्स की ख्वाहिश है। मसला ख्वाहिशों पे अगर फैसले होने लगे तो फिर आईन भी ख़त्म, इंसाफ भी ख़त्म, पाकिस्तान का जो लीगल प्रोसेस है वो भी ख़त्म, पाकिस्तान का एतमाद ख़त्म इंटरनेशनली, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन है आगे के लिए हो नहीं सकता। लेकिन ये सब फजूल बातें, किस किस्म की बात कर रहे हैं, नालायक बात है। मतलब किस किस्म की बात कर रहे हैं आप, कि एक शख्स जिसको पाकिस्तान की कानून के मुताबिक, आईन के, माजी में क्या हुआ हुआ होगा, लेकिन अब वो अदालतें नहीं है पाकिस्तान में। नजरिया जरूरत के तहत बहुत से फैसले हुए, अब वो वक्त नहीं है। ये वक्त ऐसा नहीं है जिसपे इस बात की जाए। कानून सामने है, आईन सामने है, अगर कोई ऐसी चीज मिलती है, कोई ऐसी बात होती है, अगर मुझे या तो पाकिस्तान के आईन में ये बता दें कि भाई NRO का आपने हशर भी देखा था जो हुआ था, उसके ऊपर जिन लोगों को किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस ने क्या फैसले दिए, और वो फैसले भी आज मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है ख्वाहिशात पर अगर फैसले हों तो मैं कल जनाब आपको जो है इस मुल्क का वजीर आजम बना दूं, आप दोनों को इस मुल्क का वजीर आजम बना दूं, और ये मैं अफवाह ये खबर डाल सकता हूँ। नहीं जी नहीं, वजीर आजम नालों में इतनी ठीक है जितने कहे सर जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। अगर इसी तरह फैसले अपनी मर्जी से होने तो जेलें किस लिए बनी है? अब तो जेल को इतना बड़ा बाहर से ताला लगा है, जिसके पास चाबी ना वो चौकीदार भी गाँव चला गया, उसका भी अता पता कोई नहीं। मालिक साहब देखिए जी, इलेक्शन से एक दिन पहले है, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट पोलिटिकल मूव, जिससे भी सोची है, जिससे भी फीट की है, क्योंकि पहला इंप्रेशन क्या आता है, लो जी मियाँ साहब जान लगे ना, वो ये रख जाओ, तो आप डिसहार्टन करते हैं उनके वोटर बैंक को, वोट बैंक को, जो आपके दरमियान वाले लोग हैं, जब भी सोच रहे हैं कि बाद में कोलेशन में भी तो दिहाड़ियाँ लगनी है ना, किसी ने कोई खर्चा पानी ले के किसी ग्रुप के साथ जुड़ना है, किसी ने किसी टेलीफोन पर जुड़ना है, बड़ी चीज़ें होनी हैं, तो आप ज़रा बेहतर हो जाते हैं, आप ज़रा दूसरी तरफ झुकाओ, आपको और बेहतर हो जाता है। आई थिंक ये आखिरी 24 घंटे हैं, ज़बरदस्त पोलिटिकल मूव है, और उनको पता था कि ऐसी कोई खबर चलेगी, क्योंकि मियाँ साहब की हिस्ट्री है कि आखिरी मौके तक लड़ते हैं, फिर एंड में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जी। तो उनका शायद ये हफ्ता गुजर गया जेल में, तो अब कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, बेटी भी हैं, उसकी परेशानी भी है, तो मसाला पड़ा पूरा है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मियाँ साहब जितने मर्जी परेशान हो, अगर NRO हो भी रहा हो, वो इलेक्शन से एक दिन पहले नहीं करेंगे, अपने वोट बैंक को मुतासर नहीं करेंगे। लेकिन आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट मूव, और आज के दिन ना रैली हो सकती, ना जलसे हो सकते, आज सिर्फ अफवाहें हो सकती। बड़ी मैं तो सिर्फ ये अफसोस ये है
कि अफवाहें इस तरह की उड़ाई ज़रूर जाती हैं, मगर ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ कर दिया जाता है ये एक नहायत बेवकूफ़ाना और मैं समझता हूँ अनप्रोफेशनल चीज़ है। हमारी बरादरी होती है, हमें कहना नहीं चाहिए, पर हमारे कुछ रिपोर्टर हजरात होते हैं उनको ख़ारिश हो रही होती है कि उनके टेलीविज़न पे क्यों नहीं आ रहे, तो वो कह रहे हैं जी मेरे पास एक खबर है, वो कर देते हैं। पर ये लॉजिक पे, मंतक पे, कानून पे, किसी पैमाने पर भी ये नहीं बनता कि इसको ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया जाए। ऑफकोर्स जिस तरह इन्होंने कहा मुशर्रफ के दौर में वो एक मार्शल्ला था उस ज़माने में, ठीक है, कोई अदालतें नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो वो ये कर सकते थे। आज के दौर में सबको पता है कि उनकी पेशियां हैं, अदालत में केसेस हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो भी एक इंजीनियरिंग करने की कोशिश जो कर रहा है तो एक नालायक कोशिश है। जी साहब, मेडिकल एमरजेंसी में तो बाहर जा सकती है। देखिए माजी बात, मियां साहब का जो माजी है ना, क्योंकि एक NRO उन्होंने किया, वो मुल्क से बाहर गए, एक बात। दूसरा, उन्होंने उस वक्त NRO किया जब वो जेल की सख्तियों से तंग आ गए थे। अब उस वक्त उनकी उम्र 50 साल थी, अब वो 68 साल के हैं। और देखिए कि एक हफ्ते में ये जो अभी मेडिकल बोर्ड बना और जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई, अज़हर कियानी साहब ने जिस तरह की रिपोर्ट दी, जिसको डिनाई कर दिया जेल के अस्पताल के डॉक्टर्स ने, तो ये करीने के आस तो है कि मियाँ साहब तंग आ चुके हों गर्मी से। और सबसे बड़ा इशू इस वक्त मियाँ साहब की कमज़ोरी बन चुकी हैं मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ के लिए ये पहला तजर्बा है और वो जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, नाज़ नेमत में पली हैं, तो उनके लिए मुश्किल ज़रूर हो रहा होगा। लेकिन इस दिन इसके दोनों पहलू हैं, यानी ये हो सकता है कि जो भी मूव है, अगर ये गलत खबर है या ये क्या सारा ही है, तो इसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन इसका मुस्लिम लीग के वर्कर को फ़ायदा भी पहुंच सकता है कि अगर मुस्लिम लीग का जो वर्कर है, मुस्लिम लीग का जो वोटर है, वो इस बेस पे वोट देता है कि जनाब हमारी हुकूमत आ रही है या हमारे रबते इस्टेबलिशमेंट से बहाल हैं। इस मौके पर इस खबर के दोनों जो हैं मुजमरात हो सकते हैं कि हौसला हो जाए वर्कर को कि जनाब मियां साहब के दिन बुरे दिन जो हैं वो टलने वाले हैं और वो वापस जा सकते हैं। और वैसे जो मरियम साहब ने की मेडिकल रिपोर्ट दी हुई, सॉरी आपकी ऐड कर दूं कि आई बिलीव उनके जो साहबजादे हैं वो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट भी हैं सिलेक्शन में, कैंडिडेट थे, टिकट भी अप्लाई किया था, अप्लाई कैंडिडेट थे, लेकिन उनका वो दोहरी शरीयत का मसला। इस वक्त सर जो अडियाला जेल के डॉक्टर हैं मोहम्मद उमैर, मैं ये बता रहा हूँ, मोहम्मद उमैर जो शेख आफ्ताब अहमद के भांजी, और शेख आफ्ताब अहमद जो हैं वो मुस्लिम लीग के साबिक सेनेटर, उससे क्या है, उससे क्या शेख आफ्ताब के मोहम्मद उमैर उसके भांजा है। अच्छा, भांजे हैं, भांजे शेख आफ्ताब जो चीफ विप थे सभी मुस्लिम लीग। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट देखिए, एक दो एलिमेंट हैं, एक है बेगम कुलसुम नवाज की बीमारी और दूसरा है मियाँ साहब की अपनी बीमारी जो वो जाहिर कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे कोई ना कोई बात हो सकती है, ये करीने क्यास है, ये कोई ऐसी नहीं है, लेकिन जो कानूनी पहलू हैं, जो सियासी पहलू हैं, क्या अदालत उज़्मा और बाकी अदालतें ये कालक अपने मुंह पर देखें। NRO जो मुशर्रफ का हुआ आज तक ज़ेर बहस है और अदालतों ने उसको गलत करार दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस किस्म की कोई मूव फौज कर सकती है या अदालतें उसको बर्दाश्त कर सकती हैं या ये मुआशरा कबूल। अगर ऐसे मूव होती है लाली साहब तो कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है अपने PMLN को और उनके वोटर्स को? अगर देखिए ये सब एक्सप्लेनेशन सुने, ईच ऑफ डिफरेंट, डॉक्टर साहब का कहना है कि ऐसा चीज़ सजेस्ट करना इट्स ऑलमोस्ट एंटी नेशनल, कोर्ट्स हैं, ये हैं, वो हैं। किसी और साहब ने कहा कि इन विद द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्ट्स ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता यार, वो शरफ टेक ओवर किया और उसको यही 17 जजेस ने बैठ के कहा 5 साल और चलाओ और जो तब्दीली करना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन में करो। फिलहाल साहब अब वो अदालतें नहीं है ना, अब वो अदालतें नहीं रहे। क्या बात है, अदालतें नहीं है, वो जजेस 17 तो अभी थे 10 साल पहले ना, अभी भी जिंदा है वो चीफ एग्जीक्यूटिव था, एक जनरल उस वक्त जनरल था। अच्छा, अब इनको देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल आगे था, शायद कभी कभी लोग आगे नहीं आते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मालिक साहब कहते हैं कि ब्रिलियंट मूव ऑन द पार्ट ऑफ एंटी नवाज वाले, इसलिए कि उनके वर्कर्स को खत्म कर देते। कुछ और लोग कहते हैं ब्रिलियंट मूव ऑन द पार्ट ऑफ प्रो नवाज वाले, वो कहते हैं यार एक और डील करके वापस आ जाएगा। समझ गए ना? तो मेरे अपने ख्याल में इट इज ये मुल्क, जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे इट्स एन एनीथिंग गोज कंट्री।
really, हम अब देखिए, we have four points of view. इसके माने कैसे कह सकते हैं ये हो ही नहीं सकता, anything goes. This is an anything goes republic. आपने देखा नहीं है, एक आदमी आगे बैठा हुआ कह रहा है कि 22 लोगों को मैंने देखा कत्ल करते हुए, पुलिस वाला, मगर मुझे लंदन में बैठना पड़ा, मैं नहीं आ सकता जब तक मुझे कमीशन नहीं मिलेगा, नहीं मिले. हम हैं अनपढ़ लोग, हमें एक चीज की बड़ी जरूरत महसूस हो रही है. ग्रेजुएशन किसी ने कर ली, किसी ने एमए कर लिया, किसी ने किसी में मास्टर कर लिया. सिविलाइजेशन जो कौमें होती हैं, सिविलाइज कौमें होती हैं, जो जैसे ब्रिटिश हैं उनको कहा जाता है आज आगे, तो हमारे लोगों में नहीं, उनकी वाइफ भी मार है. हमें ये भी सोचना चाहिए, हम एक ऐसा कॉलेज नहीं जहाँ से हम सिविलाइज का कोर्स कर लें. सिविलाइज हो जाए जी, मैंने बीए तो कर लिया. कोई इंजेक्शन मिल जाए खान साहब, कोई इंजेक्शन लगवा के बंदा उनको नहीं पकड़ेंगे हम लोग, इंजेक्शन लगवा के सिविलाइज हो जाए बंदा. हाँ, मैं हिलाली साहब जो जिस तरह हमें सबको इन्होंने रीफ्रेज किया है, मेरा ख्याल गलत किया है. हम चारों जो है हिलाली साहब के अलावा सारे ही एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सब चीज़ के इम्कान तो होते हैं, होते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. मगर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से एक दिन पहले ये जो तासुर देने की कोशिश की है कि आज रात को या कल जो है वो एकदम अबिया साहब को उठाएंगे और बाहर भेज देंगे, एक उसके लिए लीगल वाया मीडिया आपको निकालना पड़ेगा, और वो एक दिन में, एक 24 घंटे में नहीं होएगा, ये हफ्तों और महीनों की बात है. कानून में भी गुंजाइश है, जिस तरह मालिक साहब ने अभी कहा कि मेडिकल ग्राउंड होती है, उनकी कोई हैसियत खराब हो सकती है, मगर उसके लिए भी अदालतों के पास जाना पड़ेगा, प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा और फिर होगा. ये जो कह रहे हैं ना, वो पहले होता रहा, मार्शल्ला था, मार्शल्ला जैसा कैसी दूरी लंगड़ी, जमहूरियत है, जमहूरियत है. मैं ये जानने में भी दिलचस्पी रखता हूं, इसीलिए था कि नवाज शरीफ के कोर्ट्स ने कहा ठीक है, ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ के जो सितारे हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं जरा ये देखना चाहता हूँ कि वो अगले महीने आपको अपने हिसाब किताब में जेल में नजर आते हैं. सामने जाना बड़ा जरूरी है इस वक्त. देखिए, ये रिलीफ उन्हें मिलना जरूर है, बहुत लंबा टाइम वो जेल में नहीं है. अच्छा, बाय द नवंबर ये चीज़ें जो हैं वो उनकी फेवर में जा रहा. मियाँ साहब का सितारा अपने हिस्से की सख्ती को काफ़ी भुगत किया, क्योंकि जब उन्होंने इकतदार संभाला था. मैं थोड़ी सी एक अपनी एक मिनट सामिया जी, ताड़ी मेहरबानी, सानू 5 साल पूरे कर लेने दे. हाँ, जल्दी ना कटो, अल्लाह भला कर दे. मैं यहाँ एक और बात भी आपके व्यूअर्स को दे देता हूँ. मियां नवाज शरीफ साहब को, उनकी बेगम को एवन फील्ड पे अभी सजा हुई है. अभी दो बड़े अहम रेफरेंसेस मौजूद हैं और उसका कानूनी कार्रवाई, ये बात भी आप अपने सितारों को बतानी है, जिसने रूमर चलाई है उसको ये होना चाहिए कि ये दो पेंडिंग जो केसेस हैं लीगली पाकिस्तान के आईन और कानून में कहां ये गुंजाइश है कि एक प्रोसेस हो रहा है जिसका 90% काम हो चुका है, उसको लपेट के जो है वो कहा जाए जी आप जा. हाँ, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर शायद वो हॉस्पिटल हो जाए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जी जो कियानी साहब थे जो गए थे, वो उनके बेटे उनके जगह खड़े हुए. मैंने अभी एक आपको डिस्क्लोज किया, नाम लिया, मोहम्मद उमैर जो अडियाला जेल में इस वक्त डॉक्टर्स हैं, जिनका काम ये होता है कि PMLN के जितने भी लोग अडियाला जेल आते हैं वो रेफर कर देते हैं उन अस्पतालों में, पिंडी में, पिम्स में, और वो वहाँ पे डील करके वहाँ वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है. लेकिन ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए आपने देखा कि अगर उन्होंने रेफर भी किया है और कियानी साहब ने एडवाइस भी कर दिया, तो कल इन्वेस्टिगेशन तो हुई है उनकी. उस इन्वेस्टिगेशन में जो हमने पढ़ा है, एज ए डॉक्टर्स मैंने देखा है, उसमें तो मुझे उनकी कोई ऐसी चीज़ नहीं, किडनी सही, सिर्फ पानी की कमी की बुनियाद पर डिहाइड्रेशन की बुनियाद. आप तो ज़मीनी हकायक पे बात कर रहे हैं, सितारों की गर्दिश भी कर रहे हैं. मियां नवाज शरीफ अगर उनकी सेहत ठीक है तो उन्हें और सख्ती फिर की करनी चाहिए. वैसे मैं और आमिर मिर्ती, मैं भी हिस्सा डालूं ना इनकी डिले करने का, इनका कॉल सबने रोका, मैं भी रोकूंगा. मैं और आमिर मिर्ती इनके बैठे हुए थे, तो अभी बोर्ड शोर नहीं बैठा था, तो हमारे एक और दोस्त हैं वो काफ़ी हमदर्द हैं मियाँ साहब, उन्होंने सीधे हमें बताया था कि जिस पर मियाँ साहब को डिहाइड्रेशन हुई है और ये कल पता लग जाएगा और वाकई वही निकला. नहीं है रिपोर्ट ये सामने. हां जी, देखिए, मैं ना तजिया निगार हूँ एक तो, और ना मैं किसी पार्टी से मुंसलिक हूँ, मेरी कोई एफिलिएशन गल कर लो फिर कि बोल पे. अब तो सिर्फ 2 मिनट मुझे चाहिए आप लोगों से. जब मियाँ साहब जद्दा में थे, कोई भी नहीं कहता था कि वो वापस आएंगे, तब भी एक मेरी पेशगोई थी कि वो तीसरी बार फिर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे जब वो जद्दा में थे, और वो पूरी ठीक है. अच्छा, फिर कोई नहीं मानता था
मैं इस बात की गवाही देता हूँ, उस वक्त भी इन्होंने हमारे पीछे पड़ी हुई थी। अच्छा, फिर गवर्नमेंट के जब धरना हुआ, मैंने कहा जी 26 अक्टूबर 2014 वाला साल था, मैंने कहा जी ये वाला साल अगर ये धरना ना धरना तब तक कॉल ऑफ कर सकता था गवर्नमेंट, उसके बाद ये गवर्नमेंट नून लीग अपनी टर्म पूरी करेगी, लेकिन माइनस वन होगा और इन हाउस तब्दीली होगी और इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो नाअहल हुई ना। तीन पेज को यह कहना सारे मेरे हाथ में बैत करो, ये गल उधर ही जा रही है। नहीं नहीं, अब आगे क्या? सिर्फ ये थोड़ा सा देखिए, मैं सिर्फ सितार, मुझे नहीं पता जमीनी हकाइक का। आपको प्रोफेशनली डैमेज करना चाहते हैं आपको ना करें सर, आना चाहते हैं इतना खत्म करें करें माने जा। उसके बाद सामिया जी हमारे जलसे में आए, दो घंटे तुहानू थकाइए उथे सितारे तो परे हो। फिर अभी देखे, मैं ये नहीं कहती कि कोई उनको रिलीज कर दिया जाएगा, मैंने कहा सितारे रिलीफ देते हुए नवंबर से मुझे नजर आते हैं, लेकिन नवंबर से पहले ना ही के बाद बात होगी आपसे, ना ही मुझे कोई एनआरओ नजर आता है, ना ही मुझे वो यहाँ से कैसे जा रहे हैं। रिलीफ किन ग्राउंड पे मिलेगा ये तो देखिए, अल्लाह ने रेफरल नहीं दिया सर, बड़ा महदूद इल्म है, ये मुमकिन नहीं है। रिलीफ आपके सितारे ये नहीं बता रहे हैं कि एक क्रिमिनल को अभी एक केस के ऊपर सजा दी गई है और वो सजा 14 साल है, और जो दो केसेस है उसके ऊपर मजीद सजा हो जाएगी और नवंबर के बाद वो सजा बहुत बढ़ जाएगी। आपके सितारे ये नहीं बता रहे, सच्ची बात नहीं, मौसम मेरे सितारे बता रहे मुझे वहां से सख्ती। देखिए मैंने ना अहली भी और मुस्तकिल मैं कहती रही, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी मेरी बातों पे कान नहीं धरे। उन्होंने मरियम नवाज की मानी, जो कि उन्होंने अपनी सरसती के अरसे में सारे फैसले असद गलत करते रहे। जब ये अदालत के फैसले के बाद जब वो निकाला गया जुलूस जो था काफिला वो जो चला, मुझे लोगों ने कहा जी अब तो मियाँ साहब का रिवाइवल हो जाएगा, मैं कहा जी ये एक और गलत फैसला है जो इनको और डेंट डाल के जाएगा। पाकिस्तान तब्दील हो रहा है सितारों के जो आपके मेरा तो ख्याल ये है कि वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है। मैं इत्तेफाक करता हूँ, नवंबर में मौसम तब्दील हो जाएगा, मियां साहब को गर्मी लगना रिलीफ मिल जाएगा, सर फिर जेल में कंबल का फड्डा पड़ जाएगा। दूसरा मुल्क नेक हो रहा है, सारा पाकिस्तान नेक हो रहा है, इनके अमल भी बड़े अच्छे हो रहे हैं, तो मैं मियां साहब को भी मशवरा दूंगा वो भी नेक हो जाए। सारा मुल्क अच्छा, लेकिन ऐसे बेल 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 हो सकती है। इन्होंने अभी ये प्रेडिक्शन दी मेरे प्रोग्राम में, इन्होंने कहा इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ओए हो अच्छा, ऐसा गलती है सुनो ना बोलो सामी है जी, और मैंने वो क्लिप चलाना है आज जो चोरी है तब भी ना बने तब भी ऐसी चोरी हटी है आपके, एक दिन रह गया, एक दिन रह गया, मैं पूछो ना मैं तड़ी मेहरबानी सानू धोखा दियो वोटर वोटर जाने है जब मैं कहीं बैठे हैं। एक दिन के बाद हम मिल रहे हैं। देखिए मालिक साहब ने मुझे मरवाने का ना पूरा, मालिक साहब अगर वो खेल आप गलत हो और अगर वो आइदर और क्लिप चलेगा स्ट्राइक हो आइदर दोनों स्ट्राइक। नहीं नहीं आपने, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मालिक साहब अगर मैं कहीं इमरान खान अगर किंग मेकर बन जाते हैं वो अपना वजीर आजम दे देते हैं। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाए और वो किंग मेकर बन के वजीर आजम की पोस्ट किसी और को दे दे? बिल्कुल दे सकते, ये हो सकता है अगर उनके पास ऐसा रास्ता ही ना बचे फिर। नहीं रास्ता नहीं, 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 नहीं,
मेरा दिल भर जानी दुनिया ते प्यार कहानी दिलबर जानी बनेगा नवा पाकिस्तान। ये बल्ले वाले भाई, वैसे आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, आपने को गिनी है कैलकुलेट? सीटें कोई एक हो तो बताऊं भाई जी, 10-15 करोड़ तो वोट हमारा लाहौर में ही है। कितना? 10-15 करोड़। 10-15 करोड़ लाहौर में। हाँ, जब नून लीग का निकल सकता है तो हमारा नहीं, मतलब 1500 वोट है तो 1500 सीटें तो लेंगे आप। हाँ, 1500 सीटें तो मैंने टेंटों वाले को भी कहा कि तू भी 1500 सीट। सामिया जी की बातों पे यकीन कर ले, अगर आपका 10-15 करोड़ यही से बच्चों के अंदर सीटें खाली हैं वो भी आपकी हैं। हां, मैं कहा जेडे रोड़ा ते लोकी मूड़े बेचण दे सी तो भी चुक लें, कि सीटां वधाउणियां ने असी ऐद की पूरी पावर ते नाल आ रहे हैं जनाब। तो आप तो इसका मतलब पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी हुकूमत बना सकते हैं। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड। मोदी नूं जरा मुजाकरण करके उत्थे मोदी लम्मे पा के ना फिर पुछना कि हुण दस दे मेरी हुकूमत आ जाने ते मैं नरेंद्र मोदी नूं चावां लैण भेज दियां। तुहाडी हुकूमत आ जाए छोटे चा लिया तो चाचा तेरी हुकूमत आ जाए तो रब का वास्ता ही नहा लवी। हाँ, अगर पानी ने अलाउ किया मुझे तो अलाउ किया। बड़ा काम है अलाउ किया। अच्छा, वैसे खान साहब, आपको अगर थोड़ा सा हम कन्विंस करें या कुछ माल शाल लगाएं तो आप अपना इरादा तब्दील कर सकते हैं कि वोट किसी और को दे दें? 5000 रुपया देता हूँ नगद आपको। अच्छा, तो वोट इधर डालना, बल्ले का निशान याद रखना। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मैं मान जाऊंगा। ये देखे 5000 की खातर बिक गए। 5000 की बात कर रहा, हमारे मोहल्ले में लोग दफ्तरों में जैसे बिरयानी की प्लेट में बिक जाते हैं।
तो 5000 ज्यादा रेट लगा दिया फिर 5000 ज्यादा फिर कम कर लो तो 3 वोट कर लो 5000 से ठीक है लो जी ये वोट भी हमारा हो गया ये सीट भी हमारी पक्की हो गई अब तो ये 1501 सीटें हो गई जी 1501 हो गई और सामिया का रह गया था सुन ले खुदा के जनाब जी सामिया जी प्लीज सामिया अल्लाह का वास्ते ही आपकी मेहरबानी हमारे हक में बात करना पीटीआई और वो खुसरे की बद्दुआ अर्श हिला देती है मैं तुझे बता दूं हमारी बद्दुआ मजे है जी ये तो सारे खाते पीते लोग हैं आमिर मतीन साहब के नाम पे अपना चौक डिफेंस में कौन सा आमिर मतीन शहीद है वो शहीद है क्या खौफे खुदा करो तो फिर वो हमारे जो सर बैठे उनके नाम पे बने हैं कोर्ट अब्दुल मालिक वो अगर शहीद हैं कुछ नेक लोग भी होते हैं कुछ मेरी तरह गुनाहगार भी होते हैं इनके मतीन साहब अरे आप ये देखे नून लीग का वाहद नेक आदमी है नूर इनसे इनके मुंह से कितना दूर चेक करें जरा जी 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 सामिया जी प्लीज आप अपने सितारे खोलें जरा पीटीआई को लाएं जरा इक्तदार में अच्छा देखिए मैं वो खातून मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं जितने लोगों को मैंने पीटीआई में मूव कराया ये एक रास की बात है ये बात है और बड़े बड़े नाम हैं कि जिनको मैं कहती थी कि नहीं इसी पार्टी में डटे रहो बल्कि बड़ी दफ़ा वो लोग डिसार्ट होते थे कि यार हालात चंगे नहीं मैं कहती थी नहीं इधर ही टंगे रहो क्योंकि यही पार्टी नंबर वन लीड पे जाएगी आने वाले वक्त में मैं भी एक मरतबा नाराज होकर पीटीआई को छोड़ आया था मैंने सर जी मैं डांस कर लगा तो पीछे ने सोच चुक देता देखिए मैं फिर कहती हूँ देखिए अंदाजों का इल्म है गैब का इल्म नहीं है लेकिन मैं जब उनकी कहती थी कि लोग कहते थे जी शादी भी इंतखाबात के बाद करेंगे तब मैंने ये साहब बैठे हैं जिनके शो में उस वक्त नहीं चलाई जब पूरी हुई अब ये मेरी गर्दन काटने में तैयार बैठे हैं तो उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे वज़ीर आज़म की शेरवानी की तो समझ नहीं आती हाँ तीसरी शादी की शेरवानी ज़रूर पहले मिल रही है हालांकि उनका अपना ऐलान भी आया था कि पहले इंतखाबात होंगे फिर वो शादी करेंगे तो, उसी शेरवानी के अंदर वज़ीर आज़म लगवा लिया तो जहाँ तक देखिए मैं बल्कि उनको कहना भी चाहूँगी और ये लाइन मैंने एक ही लाइन नए साल से बोल रही हूँ कि ही कैन बी अ किंग मेकर बट विल नॉट बी द किंग मैं गलत भी हो सकती हूँ प्लीज माफी दे दीजिएगा वो किंग बिल्कुल नहीं होगा कि थोड़े देर के लिए ये एक बात बड़ी अच्छी आपने बात की क्योंकि पता मैं क्यों चाहती हूँ मेरा उनको यकीन करें उन्होंने कभी मेरी कोई बात ना सुनी है ना मानी है मैं कहूँगी कि उनके लिए उनका सर्वाइवल इसमें बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि वो उनकी लक से दूसरे लोगों को फायदा पहुंच जाता है ये इमरान खान का एक सितारे का मेरे पास एक फॉरेन मीडिया आया मुझे इंटरव्यू करने को तो फायदा नहीं पहुंचा मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगी पेरिस की जर्नलिस्ट थी उन्होंने मुझसे पूछा कि खान की पर्सनैलिटी में ऐसा क्या कैरिज्म है मैंने कहा जी चार लोग हैं जिनमें अल्लाह ने बड़ी कन्विंसिंग पावर दी थी जो कि आज तक जिन लोगों को मैंने रीड किया है जिनके पास मेरे जिनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास एग्जैक्ट है उनमें से खान साहब इनका पॉलिटिकल सितारा बहुत स्ट्रांग है खान साहब का और देखें जो मुझे वो वक्त भी याद है कि जब इनकी पार्टी नई नई आई तो लोग मेरे पास आते थे कि जी हम तहरीक इंसाफ ज्वाइन करें तो मैं कहती थी 10-15 साल भूल जाएँ इसका टाइम अभी नहीं आया जब अल्लाह ग्रेजुअली पिछली मेरी पेश गोइयों पर जाएँ मैं दावे बड़े नहीं कर रही मैं अभी भी कह रही हूँ कि अंदाजों का इल्म है लेकिन वो किंग मेकर तो मुझे नजर आते हैं लेकिन उनके और उनके लिए बेहतर भी यही है क्योंकि उनका जो एक गुड लक टाइम है वो इतना लंबा नहीं है जिस पे मेरा मशवरा भी यही होगा कि किंग मेकर बनिए मतलब जो है ये उनके हक में भी अच्छा और उनका कैरिज्मा भी वही रहेगा जो बाहर के मीडिया के लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं कि उनके सितारे में ऐसा क्या है कि वो खान साहब का एक बड़ी जो है कैरिज्मा है उनकी पर्सनैलिटी का वो उनको सर्वाइवल भी इसी में ही है हेलो दो बातें हैं एक तो ये जो बाहर के आपके जो दोस्त हैं ना ये जो भी आपसे सुन रहे हैं जो उनके मतलब आर्टिकल लिख रहे हैं ना वो आपकी मर्जी के नहीं लिख रहे वो बहुत खिलाफ लिख रहे हैं दूसरा ये है कि इलेक्शन से पहले दिन जिस तरह की आप बातें कर रही हैं कि वो किंग नहीं बनेंगे किंग मेकर बनेंगे एक वज़ीर आज़म हमारा साबिक बेचारा दिल के आर्जे से जेल में जा चुका हुआ है ये दूसरे के लिए जितने बड़े वो एथलीट हैं मगर दिल का आर्जा हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज़ नरमी से हेलो हाँ जी खान साहब जी खान साहब आसामिया खान कुछ कह रही है जनाब इन्हों को एक दो तवीज लवो जरा इन्हों तो ठीक करो आहो हाँ नहीं नहीं वोटा बढ़ रहे अपनी इजी रहे देखिए उनके उनके घर से माशाल्लाह मैं यहाँ पे एक आउटपुट दूंगा वो ये है कैरिश्मा की बात हो रही है और कन्वेंसिंग की बात हो रही है देखिए अगर कन्वेंसिंग उनकी अच्छी होती मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मैं थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहा हूँ
तो उनकी शादियां जो है ना एक के बाद दो और दो के बाद तीन, मेरे पास जवाब है, मुझे बोलने दीजिए। उनकी एक शहर हैसियत ज़रूर है, उनकी अपनी एक शख्सियत है, शहर है जिसकी बुनियाद पर एक खिलाड़ी हैं, एक हीरो हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो करप्शन से दूर है। बहुत सारी उनकी खराबियां हम डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि क्योंकि इस वक्त कुछ है नहीं सवाई इमरान खान के, अल्टरनेट एक है और एक ऐसा शख्स जो करप्शन से फाइट करते हुए आया है उसको एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इस सूरत हाल में पूरे पाकिस्तान है, लेकिन अगर कन्विंसिंग पावर होती तो शायद वो अपने घर से स्टार्ट करते, अपनी फैमिली से स्टार्ट करते, अपने भाई बहनों से स्टार्ट करते जहाँ तकरीबन फेलियर है। तो उस सूरत हाल में एक और बात जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू कि इमरान खान साहब को इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी बिल्कुल मैं खुद भी इस बात के लिए एग्री करता हूं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे इस दफ़ा तो फिर मेरा ख्याल है खान साहब इसमें मैं एक फैमिली रिलेशन दूसरी जगह और कायदे आज़म अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप भी बचा सकते सर कन्विंसिंग की बात है शादी नहीं चल रही या बहनों से नहीं पाला सर कन्विंसिंग नहीं बाद में कायदे आज़म से बड़ी कन्विंसिंग चाहिए नहीं मैं तो कभी नहीं कहा कि कायदे आज़म बहुत कन्विंसिंग पावर थे पर्सनैलिटी की कैरिज्मा की वजह से हुई है, लेकिन देखिए के 12 घर आपका 12 हाउसेज होते हैं, और ये मेरी तो देखिए स्टेटमेंट सोनियर है, मैं एक कंपैरिजन दूंगी, मैं कहती थी वसीम अकरम का मैरिज हाउस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जिससे शादी करते हैं उनके पार्टनर की लक उनकी लक को सवा गुना कर देती है, लेकिन इमरान खान इस वो महरूम है क्योंकि उनका मैरिज हाउस अच्छा नहीं है। अव्वल तो मेरा मशवरा होता शादी के चक्कर में ना पड़े, लेकिन ये जो पीछे भी फ्लॉप हुई मैंने तब भी कहा था, मैंने तो उनकी सर मैं बदनाम भी हुई कि मैंने उनकी डिवोर्स की डेट भी प्रेडिक्ट कर दी थी कि ये रिहाम से शादी 26 अक्टूबर से आगे नहीं चलेगी, और दो दिन रह गए थे वो शादी ब्रेक कर गई थी क्योंकि वो नज़र आता था कि वो टाइम तो बहुत ही बुरा था जिसमें दोनों ने रिहाम से तो आप परेशान हो गए। अच्छा अगर मैं आपसे एक सवाल जल्दी से पूछ के आई वॉन्ट टू मेक अ कमेंट विच सपोर्ट्स ऑन इमरान खान इन इन अ वे। एक तो आपने कहा वसीम अकरम की शादी के बारे में आपने कहा जिससे वो शादी करता है दे एडवांस दे जी 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 वो तो बेचारी वो तो फौत हो गई नहीं नहीं लेकिन देखिए उस खातून की लक बहुत वसीम के साथ अपने खातून का लक रह गया और वो मर गई और इसके आप देखिए उनकी किस्मत अच्छी और दूसरी जी खान साहब सामिया जी कह रहे हैं पाकिस्तान बाद में बनाना पहले अपना घर सही बनाओ। अच्छा दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ अब असदुल्ला साहब वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज हम संडे को निकले हैं कराची से जी इधर आने मंडे को आए सुबह मगर संडे तैयारी कर रहे थे तो आई डिड नॉट पर्सनली कोई सी जलसे में मैं नहीं गया। मुझे अभी फ़ोन पे पता चला है कि एक अजीब सा वाकया हुआ है। वो वाकया ये है कि मैसिव टर्नआउट ऑफ मुहाजिर्स जिन्होंने इतना मैसिव था कि सुना एयरपोर्ट का रास्ता भी तक वो फैल के आ गए थे और कुछ उसमें हिस्सा भेजा गया इमरान के जलसे में। ये सोचिए मतलब ये कि किसने आपको खबर दी है ये एक इस वक्त कॉम्पिटिटर है के साथ बड़ी माजर के साथ हम साफ ही है ना हमारा एक तरीका कार है कि हम 50 जगहों से सुनते हैं फिर सर्च करते हैं इनको एक फोन कॉल आ जाती है ये कहते हैं बस उसको सही बात समझ के मुझे एक इतला आ गई है और ये यूं हो गया है। इतना बड़ा शहर है कल इलेक्शन है बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है हम केयरफुल होके ही चलेंगे पता नहीं क्या है सिर्फ एक फोन कॉल पे ना वो जितना भी मुझे कहा गया है कि इमरान खान को कोई महाजिर वोट नहीं मिलेगा जो हम समझते थे और कहते थे कि मिलेगा PSP को भी इतने वोट्स नहीं मिलेंगे जो
हम समझते थे। कॉल आई है, एक महाजन ने कहा है कि मैं दूंगा, एक ने कह दिया समझे एक लाख से कह दिया। अच्छा चलिए, एक महाजन का वोट से अगर जीत जाता है दैट्स रिमार्केबल, दैट्स देन इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। तो अब मैं ये कहना आपको चाहता हूँ कि उधर जब मैं और शाजिया हम घूम रहे थे महाजिराबाद में, तो हमें पता चला कि एक आदमी ने मुझे आके ऑनेस्टली रोका जैसे वो गाड़ी में जा रहे थे। तो कहने लगा, सर ये जो सब आप देख रहे हैं आमिर लियाकत का क्लेम कि इस घर में कोई आके कैनवस नहीं किया, मैंने आके किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सबको यही कहता है। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम महाजिर इकट्ठे हैं और हम मुत्तहिदा को वोट देंगे, और जिधर हम गए अब ये कोई रिहर्स नहीं। वो ये डिप्लोमेसी जो है ना, वो भी जानते हैं माजरों को, उनको हम भी अमृतसर से उठ के ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। चले सर, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद सारे जुमला का ऐलान किया जी इमरान खान की जुमला का, उन्होंने जी हम इनके साथ हैं। तैमूर की खिदमत में एक दस चनार मुनज्जिम माहिर अखलाकियात हाजिर हुआ और उसने कहा कि जी फलां तरफ आप मूव ना करें, आपको शिकस्त हो सकती है। उसने कहा ये तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि ये तुमने मुझे खबर सुना दी, अपना इल्म बता दिया, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक में करना। उसने कहा जी मेरा मुंह आप अशरफियों से भर देंगे। उसने तलवार उठाई और उसने कहा सर कलम कर दिया। एक जुमला सिर्फ इतना है, मुत्तहिदा कौमी और मैं ये बड़ा सीरियस जुमला कह रहा हूं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 2018 का इलेक्शन उनकी बका का मसला है, बहुत मुश्किल है कि वो 8-9 सीट। ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन चार बजे, आपको दोबारा मिलते हैं।